सीएलसी जैसी कोचिंग टीम, सीएलसी परिवार ने वो जो नील का पत्थर खड़ा किया है ना, कि वो सबको दिलाना ही है, वो सीएलसी टीम है। और आज मैं ये सब कर पा रहा हूँ, ये सर की बदौलत है, बॉस की मेहनत और ये टीम स्पिरिट थी जो आज मेरी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, थोड़ी हिम्मत बढ़ाते और अपनेपन का एहसास। सीएलसी एक विश्वास है, एक भरोसा है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण। आज मैं एक जगह बैठा हूँ, ये झुंझुनू में बिसाऊ की हवेली के नाम से एक जगह है, और जहाँ बैठे ये वो स्कूल है जहाँ वो बच्चे पढ़े हुए हैं जो आज डॉक्टर हैं। नमरा डॉक्टर बन चुकी है, सुमैया एसएमएस में एडमिशन हुआ है, और आपकी एजुकेशन प्राइमरी इस जगह हुई है ना। दोस्तों ये वो बिल्डिंग्स हैं, ये वो खदानें हैं जहाँ हीरे पैदा होते हैं। यहाँ बैठे सभी सीएलसी परिवार के लोग, आज हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज बॉस खुद चल के हमारे शहर, हमारे मोहल्ले में ख़ास तौर से लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए आए। इनका काफ़ी दिनों से मुझसे था कि वादा था कि मैं एक दिन आपकी बच्चियों का हौसला कर रहा ज़रूर आऊँगा, और आज उन्होंने अपने इस प्रॉमिस को पूरा किया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और मुझे सीएलसी से जुड़े हुए 9 साल हो चुके हैं। इन 9 सालों में मतलब हमारे परिवार के काफ़ी लोगों का सिलेक्शन इन्होंने करवाया है, जिनमें मेरी बेटी नम्रा का, मेरा भतीजा जो कि एसपीएमसी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से पासा एमबीबीएस कंप्लीट कर चुकी है, अमान प्लास्टर वाला जो कि मेरा भतीजा था जो कुपर मेडिकल कॉलेज से सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुका है, और मेरी बेटी सुमैया का जो इस साल एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंची है। तो ये जो बच्चियां हैं, लेकिन आज से 9 साल पहले जब इसके पापा की जिद थी कि और उनका सपना था कि किसी न किसी को ये शुरुआत करनी होगी, कि मतलब लोगों ने कहा बेटी को कहाँ भेज रहे हो, अकेले हॉस्टल रहेगी, कमाया हुआ पैसा बेटी पर लगा दोगे तो शादी कैसे करोगे, इसके मतलब काफ़ी थे। लेकिन इसके पापा की सोच ऐसी थी कि मुझे मेरी बेटी को कुछ बनाना है, इसे अपने पैरों पे खड़ा करना है, और सीएलसी टीम और बॉस की मेहनत और ये टीम स्पिरिट थी जो आज मेरी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि और आज मैं और इसके पापा हमेशा लिस्ट देखा करते थे, इस लिस्ट में मुस्लिम बच्चे कितने हैं, क्योंकि हमें शुरुआत में काफ़ी कम बच्चे। आज मुझे जब सीएलसी की लिस्ट भी मैं देखती हूँ तो इतने मुस्लिम बच्चे देख के, नाम देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि और मैं हमेशा हमारे मोहल्ले के बच्चों को इंस्पायर करती हूँ, कहती हूँ कि बस आज तो स्कूल क्यों नहीं गया, अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो बेटा। तो ये मैं बॉस की बातों से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि आज भी मुस्लिम समाज में बहुत ज़रूरत है एजुकेशन की, ख़ास तौर की लड़कियों की, और जो शुरुआत इसी शुरुआत का नतीजा था, हमारी शुरुआत का नतीजा था कि आज आमिर खान की बहन सुमैया टाक, इन्होंने भी एक पहल दिखाई और अपने बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को तो सभी पेरेंट्स भेज देते हैं अरे कमाया हुआ घड़ी में आएगा, लेकिन एक लड़की को घर से बाहर भेजना एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। तो एक ये बॉस की जो फैकल्टी है, मैथ्स है, गार्डन्स है, टीम स्पिरिट है, ये इनकी काबिले तारीफ के लायक है, इन जो कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कोई भी। तो ये बच्चों के लिए एक मेंटर है, और आज इसके पापा के जाने के बाद आज भी वो बच्चों को कहते हैं कि बेटा मैं हूं ना। तो ये शब्द मेरे लिए एक मतलब मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं और अपनेपन का एहसास। सीएलसी एक विश्वास है, एक भरोसा है, और मैं तो हर गार्जियंस को ये नसीहत करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ कि अगर आप मतलब सिलेक्शन सभी को कोचिंग देती है, लेकिन संस्कार के साथ
पढ़ाई जो दे एक जो कोचिंग देती है वो सीएलसी और सिर्फ सीएलसी देती है। तो ये हमारे बेटे और बेटियां आज आप लोगों के सामने बैठे हैं, ये बिल्कुल बड़े ही शानदार अंदाज में इन्होंने हीरे जो तराशे हैं, सीएलसी ने, सीएलसी के डायरेक्टर साहब ने, इनके कोचिंग स्टाफ ने, इनके मैनेजमेंट ने जो भी काम किया है वो शानदार सराहनीय काम है। और हमारी दुआएं उन लोगों के साथ में, उन बच्चों के साथ में हैं। आप लोगों भी दुआ करें और उम्मीद है कि और भी सीएलसी जो है ना वो तरक्की करे, सीएलसी आगे बढ़े। इसी तरीके से जो ग्रामीण परिवेश के अंदर और गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, अलग अलग मोहल्लों में कहीं छुपे हुए हैं, उनको निकाल निकाल कर उन हीरो को तराशना, ये सीएलसी का काम है और ये बहुत ही बेहतर काम है, शानदार काम। और इस शानदार काम के लिए डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं श्रवण जी चौधरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने वक्त वक्त पर बच्ची को बहुत संभाला। दो साल इनके बालाजी हॉस्टल में रही। सबसे बड़ी बात तो इनके इनकी संभाल बहुत अच्छी थी, बच्चों को बहुत अच्छी तरह से संभालते थे, वक्त वक्त पर खुद इनका ख्याल रखते थे। रात को एक एक बजे तक इनका स्टडी की जानकारी लेते रहते थे, इनका क्या स्टडी चल रहा है, क्या इनका स्कोर चल रहा है। वक्त वक्त पर ये लाइव भी रहते थे, रोज स्कोर चलता था इनका, तो बहुत अच्छा रहता था। मैं हॉस्टल से बहुत खुश हूँ आपके, आपके हॉस्टल की वक्त वक्त पर लड़कियों की बहुत देखभाल रहती थी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नम्रा टाक, 2015 बैच और एक्सीएलसीएल, और आज मैं जो भी हूँ उसका पूरा श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स, स्पेशली बॉस और सीएलसी टीम को देना चाहूँगी। आज से 6 साल पहले जब मेरी पढ़ाई को लेके सब लोग पे इतना बड़ा सवाल उठता था कि लड़की को अकेले पढ़ने भेजोगे, कहाँ भेजोगे, बहुत बहुत कुछ। तो उस वक्त मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे पेरेंट्स का सपना था मुझे डॉक्टर बनाना है, बट मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा असमंजस में थे कि कहाँ भेजे लड़की को, कहाँ भेजे फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमारे घरों में जनरली नहीं भेजा जाता है लड़कियों को। तब मेरे पापा के दोस्त थे इंजीनियर मुमताज अंकल ने, उन्होंने सीएलसी के बारे में बताया, बॉस के बारे में बताया। उसी वक्त मेरे पापा ने सोच लिया था कि मुझे नम्रा को सीएलसी हॉस्टल में ही भेजना है, और उसके बाद मैंने वहाँ रह के तैयारी की। और मुझे वहाँ रह के कभी मेरे घर वालों की, मतलब मैं ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं शहर से दूर रह के कहीं तैयारी करूँ। बॉस का जो मेरे लिए लाइफ में है, मतलब मेरे पिता समान है, मैं इसके बाद में क्या बोलूँ, सब कुछ है मेरे लिए, मेरे मेंटर है, मेरे गुरु है, सब कुछ है। और मतलब कि शिक्षा एक मूलभूत अधिकार होता है, सबका होता है, जिसके लिए सीएलसी जैसी कोचिंग टीम, सीएलसी परिवार ने वो जो नील का पत्थर खड़ा किया है ना, कि वो सबको दिलाना ही है, वो सीएलसी टीम है। और शिक्षा किसी धर्म, जाति, लड़का लड़की में भेद नहीं होता है, वो सबका अधिकार होता है, जो कि मुझे मिला सीएलसी टीम की वजह से, बॉस की, स्पेशली बॉस की वजह से। और थैंक यू सो मच बॉस, जो मैं हूँ बस सीएलसी के जितने भी खिदमतकार हैं उनको मैं बहुत ज़बरदस्त बधाई देता हूँ कि हमारी बच्चियाँ जाकर वहाँ निष्पक्ष तौर पर जिस तरह से मेहनतें की है मैं सोच भी नहीं सकता था। पहले मेरे दिल के अंदर पता नहीं कैसी कैसी बातें उभर रही थी, मैं सब बता देता हूँ आपको, ऐसी ऐसी उभर रही थी, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसी नई नई कल्पनाएं, क्योंकि जो दुनिया के अंदर अच्छों के साथ बुरे भी होते हैं, बिल्कुल अच्छों के साथ बुरे होने की बिना पर मैं बहुत ज़्यादा कश्मकश में था। लेकिन हमारे श्रवण जी जिस तरह से बच्चियों के गार्जियन बन के रहे, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य के अंदर बधाई देता रहूँगा। और हमारे जितने भी बच्चे जा रहे हैं उनको भी आप अच्छी तरह से संभालेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा के लिए भी इसी तरह की मेहनतों के साथ में हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और जितने भी ग्रामीण के बच्चे हैं उन सबको साथ में लेकर बढ़ाएंगे। और इस संस्था के अंदर सबसे ऊंची बात मैंने ये देखी कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं,
ये सबसे ऊंची बात है टीएमसी की बात, कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वरना जहाँ कहीं भी कोई भी गए हैं बच्चे उनमें भेदभाव पाया गया है। इस वजह से लोग कुछ पीछे सर जाते हैं और इस टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं इन सबको मैं बधाई देता हूँ कि ये इसी तरह से काम करते रहेंगे और लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी इसी तरह से काम करते रहेंगे जिस तरह से अब तक करते आए। लड़कियों की सुरक्षा जितनी भी होगी उतना ही सीएलसी चमकेगा और पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर चमकेगा। बस इसी पर मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं सर डॉक्टर शाहरुख खान, आई एम फ्रॉम बुहाना, स्टूडेंट ऑफ 013 बैच एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। 2013 में मैं सीएलसी सेलेक्ट हुआ था। अभी मैं एक्स सर्विसमैन पॉलीक्लिनिक बुहाना में काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं रिटायर्ड फौजियों की सेवा करता हूँ। क्या बात है। अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे और उन्होंने आके मुझे बताया था कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो सबसे पहली गोली जो लगी थी वहाँ पे वो मुझे लगी थी। और मुझे 3 गोलियाँ लगी थी, एक तो यहाँ से पार हो गई थी। और वो एक फीलिंग है कोई किसी पेशेंट के चेहरे पे स्माइल आना, या फिर एक ऐसे नाउमीदी वाले फेस होते हैं जो खिल जाते हैं, या कोई थैंक यू बोलता है, वो एक डॉक्टर के लिए सबसे अच्छी फीलिंग होती है। और आज मैं ये सब कर पा रहा हूँ ये सर की बदौलत है। सर ने मेरा उस टाइम पे साथ दिया था जब पहली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और मैं वापस कोचिंग भी नहीं करना चाह रहा था शायद एक बार, फिर मैं सर के पास गया था शायद, इन्हें याद नहीं होगा, तो इन्होंने मुझे थोड़ी होप दी थी। सबसे पहले मैं आपके पिता आदरणीय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आपको उस ज़मीन से निकाला जहाँ बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को सींचा। उसके बाद आदरणीय भाई साहब सरवण जी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस पूरे देश के अंदर वो अलग जगा रहे हैं और इतिहास में शरवण नाम का जो बहुत बेहतरीन दूत के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की थी, एक पलड़े में माता को और एक पलड़े में पिता को बिठाकर सेवा कर रहे थे, आप भी इस देश को एक पलड़े में इंजीनियर दे रहे हैं और एक पलड़े में डॉक्टर दे रहे हैं। ये वही हकदार आप कर रहे हैं, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके बाद सीएलसी पर जिन लोगों ने विश्वास किया, जो पेरेंट्स गार्जियन यहाँ विराजमान हैं बैठे हुए हैं, परिवार जो पूरा यहाँ बैठा हुआ है, उसको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आपने सीएलसी पर विश्वास किया और ये मेरे बेटे और बेटियाँ जिन्होंने आपके दिशा निर्देशन में आपकी गाइडलाइन में जैसा आपने गाइड किया उसी मुताबिक ये चलते रहे और कामयाबी की मंजिल उन्होंने हासिल की, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। ईश्वर से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सीएलसी दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे और हमारे बेटे बेटियां जो आपके पास हैं वो भी दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करें और ईश्वर अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए। मैं सीएलसी के डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने इस हवेली में आकर लोगों की एक भावनाओं को उजागर किया है। मेरे पिताजी भी 1936 के अंदर यहाँ मुफ्तियाम स्कूल की नींव रखी थी और उस बिना के ऊपर इस मोहल्ले के अंदर काफ़ी एजुकेशन खेला। आज मैं इनको और भी बधाई दूंगा क्योंकि मेरा भतीजा नफीस अहमद जो 1918 में आईआईटी के आपकी सीएलसी से पास होकर 2018 सीएलसी के डायरेक्टर साहब को ये बधाई देना चाहता हूँ कि आज इस मोहल्ले में आकर इस बस्ती में आकर आपने जो अलग जगाई है ये अलग आगे काम करेगी। पढ़ाई करना हर कोचिंग कराती है, सबको आता है पढ़ाना, फैकल्टी ऑलमोस्ट सेम होती है सबके पास, लेकिन वो माहौल देना, एक शेड्यूल देना, वो सिर्फ मेरे बॉस को आता है, वो मेरे बॉस ही दे सकते हैं। एक सुबह से 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक का सारा शेड्यूल देना इन्हीं को आता है। सुबह 5 बजे वो जलती है एक हॉस्टल के अंदर, उसी को सुन के हम का एक गायत्री मंत्र कुछ होता है उसी को सुन के हम उठते थे और रात के 1 बजे कैंप छूटता था। इतने सारे बच्चे बच्चियां, हॉस्टल तो फिर भी ठीक है लेकिन जो बाहर से जो लड़कियां आती थी वो उसने खुद जिम्मेदारी ली उनको उनके घर तक पहुँचाने की। एक पिता इससे बढ़कर और क्या करेगा।
बॉस को मैं पिता ही मानती हूँ अपना। उन्होंने बहुत पारिवारिक माहौल दिया है हॉस्टल के अंदर, हर चीज़ को समझाया, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया है, मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, कैसे डिप्रेशन से दूर रहना है। असेंबली जो जहाँ पर रोज हनुमान चालीसा होती थी, कभी कवाली भी होती थी, जिसके अंदर बैठ के वही सुकून मिलता था जो नमाज में। मोटिवेशन की बात जो है, CLC में आने के बाद में किसी भी प्रकार के मोटिवेशन, किसी भी प्रकार की बुक की, किसी भी प्रकार के गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने देखा है सीकर में मैंने काफ़ी टाइम काम किया था और मैंने बहुत सारी कोचिंग्स को भी देखा। मैं किसी विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन कोचिंग के बारे में या स्कूल के बारे में हमारा जब विचार आता है तो एक संस्था के रूप में आता है, लेकिन जब हम CLC के बारे में सोचते हैं तो एक ही चेहरा, एक ही व्यक्ति तो हमारे सामने आता है। इवन स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हम लोगों को भी कई बार प्रेरणा, कई बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो भाई हमारा मोटिवेशन करते हैं आके। हम स्कूल में जब भी हम सीकर में कहीं मैं घूमता था, 3-4 साल मैंने वहाँ नौकरी की, तो मैं रोड पे देखता था और भी कोचिंग के बच्चे घूमते हैं, CLC के भी बच्चे घूमते हैं, तो वो अलग ही दिखते हैं, अलग ही। जो आपके शाम को प्रोग्राम है, मैंने भी काफ़ी प्रोग्राम अटेंड किए हैं इनके मोटिवेशन के, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। एक प्रत्येक बच्चे तक पहुँच पाना वो हर किसी के बस की बात नहीं है, तो मैं तो हमेशा आपका आभारी हूँ। हम आपसे मोटिवेशन लेते हैं। बेटियों को भी मैं, इन माँ बाप को देख के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को, क्योंकि एक बेटा पढ़ता है तो एक घर को संभालता है, लेकिन जब एक बेटी पढ़ती है तो वो दो घरों को संभालती है और एक आने वाली पूरी पीढ़ी को, पूरी नस्ल को वो जागरूक करती है, वो विकसित करती है। तो ये सौभाग्य है इन बेटियों का, ये सौभाग्य है इनसे बड़ा इन माँ बाप का है जिनको ये बेटियाँ प्राप्त हुई। इनका सौभाग्य है कि ये CLC तक गए और इस मुकाम तक पहुँची हैं।